नमस्कार, सौरमे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में शिंदे और ठाकरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुरक्षित फैसला आज सुनाया जा सकता है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आज सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो गद्दारों की यह जमात खत्म हो जाएगी। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ये फैसला सुनाएगी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के लिए 38 जिलों में आज हो रहा मतदान। मेरठ में आम आदमी पार्टी और भाजपा समर्थक भिड़े। फर्रुखाबाद में वोट डालने के बाद एक बुजुर्ग की मौत। इस चरण के लिए 370 निकायों के लिए 6,929 विभिन्न पदों पर 39,146 उम्मीदवार मैदान में हैं। इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान पीएम के घर पर किया हमला। पुलिस के अनुसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 500 से ज्यादा समर्थक बुधवार को प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे और वहां खड़े वाहनों में आग लगा दी और घर में पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं। आज मुंबई दौरे पर सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव शरद पवार और उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात, जिस पर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, हमारा दृष्टिकोण यह कि देश में एक विकल्प की जरूरत, जो लोग इसमें योगदान देना चाहते हैं चाहे वह नीतीश हो या ममता, मेरे विचार में हम सभी को काम करने की जरूरत है। केरल स्टोरी पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। पश्चिम बंगाल में लगी है रोक। फिल्म निर्माताओं का दावा, प्रतिबंध से उन्हें हर दिन पैसों का भारी नुकसान हो रहा है। सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर जून तक नहीं लगेगा आयात शुल्क। गिर सकता है पाम ऑयल का इंपोर्ट। बता दें, भारत मुख्य रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका से सोया तेल और रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी का आयात करता है। मोदी के लिए डिनर होस्ट करेंगे बाइडेन। व्हाइट हाउस में जारी किया बयान, कहा मोदी के इस दौरे से भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और दो महान लोकतंत्र एक नए युग की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि जून में अमेरिकी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 साल बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने वीजा देना शुरू कर दिए हैं। इस बार कई तरह की फीस लगभग दोगुनी हो गई है, जिससे अब भारतीय नागरिकों को यात्रा के लिए कम से कम 1,85,000 रुपये खर्च करने होंगे। आगरा में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार कार ने 6 स्कूली बच्चों को रौंद दिया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 4 घायल हैं। वहीं 2 से 3 बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। बच्चे स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे तभी यह हादसा हो गया। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सौरमय टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।